बाकी सूबों को जो इख्तियार हासिल हैं वही गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत के एक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क, कानून साज और इंतजामिया के तमाम इख्तियार दे रहे हैं अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत ने मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। करप्शन करूंगा ना दूसरों को करप्शन करने की इजाजत दूंगा, हल्फ दयानतदारी मेहनती और सच्चे लोगों का साथ दूंगा। चेयरमैन नैब ने तमाम तफ्तीशी अफसरान से हल्फ ले लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब नैब हेडक्वार्टर्स में हुई। तमाम नैब अफसरान और अधिकारों ने खड़े होकर हल्फ दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविने खुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी नैब में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब टीम ने ज़ुल्फ़ी बुखारी से उनके गैर कानूनी ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक सवालात किए। वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफे की पेशकश नहीं की। ज़ुल्फ़ी बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। चकवाल में रेलवे ट्रैक की फरोख्त और कब्जे का केस, रेलवे अफसरान सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके। शेख रशीद 24 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें, अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। सिंध में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नजरसानी अपील दायर कर दी। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, अदालत फैसले पर नजरसानी करे, दरख्वास्त में मौकिफ।